सत्तापेट ग्राम पंचायत ऑफिस पे कुछ लोग मुझे फ़ोन करे थे, पेंशन यहाँ पर टाइम पे नहीं मिल रहा बोलकर, उस वजह से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और यहाँ पे इतने बुरे हालात है, 4 दिन 5 दिन से लोग फिर रहे, ये लोग को किसी को 1 महीने की पेंशन नहीं मिली, किसी को 2 महीने की नहीं मिली, किसी को 3 महीने की नहीं मिली। यहाँ पर ये हालात है, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर ये लोग। और शाहीन नगर के तमाम जितने भी पेंशन है वो लोग को जो है ना शाहीन नगर में ही देना चाहिए, और शाहीन नगर से लेके आकर वो लोग को यहाँ पर डाले। कभी कोई बोलते पहाड़ी शरीफ में जाकर ले लो बोलकर बोल रहे हैं, ये लोग को पहाड़ी में गए तो कुत्तापेट आ जाओ बोल रहे, वहाँ पर गए तो वहाँ से यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ भी जा रहे हैं। ये बेचारों को आने जाने में रोजे में जो है ना सुबह 6:30-6 बजे से बेचारे आकर बैठे हुए यहाँ पर, वो लोग को टाइम पर पेंशन नहीं मिल रहा, तो इसके जिम्मेदार कौन है? तेलंगाना हुकूमत से ये मुतालबा है, ये माइनॉरिटी के एरिया में हर चीज़ के लिए यही प्रॉब्लम है। आप पेंशन होने दो या राशन होने दो, राशन के लिए जाना है तो बालापुर जाना, पेंशन के लिए रहना है तो कुत्तापेट आना। शाहीन नगर के लोगों को इतना सारे प्रॉब्लम्स है, आप जो है ना ये खाली एक वायदे कर रहे हैं कि भाई पेंशन मिल जा रहा, फलाने मिल जा रहा। ये लोग से देखिए, आप बात करिए ये लोग से। लोगों को 1 महीने का जाना है, लेकिन इतना फिर रहे 4-5 दिन से फिर रहे हम लोग। पहाड़ी को जाओ बोले तो पहाड़ी को जा रहे हैं, पहाड़ी से वापिस आ रहे हैं, पहाड़ी वाले बोल रहे हैं जाओ कुत्तापेट को, कुत्तापेट वाले बोल रहे हैं पहाड़ी को जाओ, ऐसा हो रहा। फिर इतना फिर रहे, पैरों में दर्द है, चलना नहीं आ रहा, गिर गई एक चौपट, इतनी तकलीफें हैं हम लोग। हम लोग शाहीन नगर वालों को शाहीन नगर पे दे दिए तो मेहरबानी होती।